नॉर्मली नहीं यार वीडियो चैनल आज की जो वीडियो है वो मिनीसो की प्रोडक्ट्स के बारे में है। मिनीसो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये जैपनीज ब्रांड है, इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस में होती हैं और बहुत ज़्यादा क्यूट होती हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रोडक्ट्स बाय की हैं, 20,000 से अबव प्राइस की मैंने प्रोडक्ट्स की सारी खरीदी हैं, तो मैं वन बाय वन आपको दिखाऊँगी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट है वो मिनीसो की मैंने परचेज़ की है, ये मिरर, ये कॉस्मेटिक मिरर है, पोर्टेबल मिरर। इस पे है वन पीस है इसके अंदर और कैंडी कलर में है। इसको मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह का है। उसके बाद जो मैंने मिनीसो की प्रोडक्ट परचेज़ की है वो है ये प्लास्टिक स्टिक कॉटन स्वैब्स। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है लेकिन इसकी प्राइस 250 समथिंग की, और नॉर्मली भी आप मार्केट से खरीदो तो इतने की ही आती है। और इसके अलावा मैंने ये परचेज़ किया है मिनीसो के रिमूवर वाइप्स हैं, मेकअप रिमूवर वाइप्स। ये ज़रूरत पड़ सकती है आपको, आप अपने बैग में रखें अगर आपने मेकअप रिमूव करना है, या वैसे भी समर सीज़न है तो आप अपने फेस को फ्रेश कर सकते हैं इससे। बहुत क्यूट से इसके ऊपर देखिए ये वाटरमेलन बना हुआ है। ये इस तरह से ओपन होता है, देन इसको पील ऑफ करें। यहाँ से आप कॉटन वाइप्स निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये बहुत हाइजीनिक लगता है क्योंकि इसके ऊपर ये लिड है, इससे आपके जितने भी अंदर वाइप्स होते हैं वो बिल्कुल भी कोई डर्ट कोई डस्ट अंदर नहीं जाती है। नेक्स्ट जो मैंने प्रोडक्ट परचेज़ किया है वो है ये फ़ैन। मैंने परचेज़ किया है, बहुत क्यूट सा फ़ैन है, इस तरह से ये टर्न हो जाता है और ये बटन है, यहाँ से आप फ़ैन को ऑन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसको आप चार्ज कर सकते हैं, ये इसके यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं, इसमें आपको सेल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी प्राइसेस आप इनकी आउटलेट पे जाकर चेक कर लें, आप मेरे पास मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है। इसके अंदर ये डाटा केबल भी दी होती है ताकि आप इसको चार्ज कर सकें। नेक्स्ट प्रोडक्ट ये फेस रेजर्स हैं, इसमें 3 रेजर्स हैं, ये डायरेक्ट रेजर्स हैं। जिस तरह ये रेजर्स हैं ये मैं यूज़ करती हूँ, ये डायरेक्ट रेजर नहीं है, ये आपको ऐसे फील होगा जैसे बीच में कोई पार्टीशन है जिससे आप डायरेक्ट ब्लेड आपके फेस पे नहीं टच करता, लेकिन ये जो रेजर्स हैं ये बिल्कुल डायरेक्ट आपके फेस के ऊपर टच करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात से इनको यूज़ करना पड़ता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तभी यूज़ करें, वरना मैं आपको रिकमेंड नहीं करती कि आप ये यूज़ करें। आप इस तरह के जो ब्लू में रेजर्स आते हैं उनको यूज़ करें। इनकी प्राइस भी 300-250 समथिंग है। ये भी प्रोडक्ट है, इसमें आप क्लॉथ्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये है एनर्जी ऑफ फ्रूट्स हैंड क्रीम, इसके अंदर 3 फ्लेवर्स हैं, एक है लेमन, स्ट्रॉबेरी एंड एवोकाडो। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ये मिनी ट्यूब्स हैं, आप इनको अपने बैग में कैरी कर सकते हैं अपने साथ। और इसके अलावा मैंने जो हैंड क्रीम्स परचेज़ की हैं
वो थोड़ी इससे बड़े जार में आती हैं, ये भी लेमन वाली है। इसके अलावा है स्वीट ऑरेंज, ये दो हैंड क्रीम्स हैं। इनका पैक था 250 का एंड इन तीनों का पैक 250 का था, तो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में। इसके अलावा मैंने काफ़ी ज़्यादा ये दिस वन इज ग्रीन टी मिल जैपनीज चाम ब्लू एक्वा हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन मास्क जैपनीज चाम, ये सेम है, येलो फर्मिंग सॉल्यूशन कीवी फ्रूट, इनकी पैकेजिंग बहुत ज़्यादा क्यूट है, रेड क्लियरिंग सॉल्यूशन एंड अगेन ब्लू एक्वा। ये सारे मास्क मैंने परचेज किए थे क्योंकि समर सीजन में आपकी स्किन को हाइड्रेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है, तो ये इसलिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्यूट सा बैग है, ये भी मैंने मिनिस्टर से परचेज किया है, इसमें आप अपने मेकअप के एसेंशियल्स रख सकते हैं। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा सामान आ सकता है आपके, फाउंडेशन से लेके लिपस्टिक सारा कुछ। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने बाय की है ये है मिनी परफ्यूम है, ये लेमन लेमन में है और इसके ये मैं पहले यूज़ कर चुकी हूँ, इसकी सेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसकी प्राइस 700 समथिंग है। इस तरह से मिनी ट्यूब है, ये काफ़ी हैंडी होती है, अब हमें बैग में इसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मिनी फैन है, अगेन इसके अंदर आपको डाटा केबल साथ मिलती है। इनकी प्राइसेस आप आउटलेट से चेक कर सकते हैं, इस तरह से वर्क करती है, इसमें चार्जिंग का नैन नहीं चलेगा। इसके अलावा इसके अलावा मैंने ये ग्लासेस परचेज किए हैं, ये ग्लासेस मुझे काफ़ी कूल लगी थी और इसकी प्राइस है 1000। इसका मुझे एक ड्रॉबैक लगा कि इसके साथ इस कवर में अगर ये देंगे तो अपना अपने बैग में इसको कैरी नहीं कर सकते, आपको एक्स्ट्रा इसके लिए कवर परचेज करना पड़ेगा, ये दूसरे ग्लासेस का आपको यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह से ये टूट सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये हेडबैंड है, जब भी आप फेशियल करें मास्क अप्लाई करें या आप चाहती हैं कि आपके बाल आपके काम के दौरान आपको तंग नहीं करें तो आप ये मास्क अप्लाई कर सकते हैं। ये हेडबैंड है ऐसा से क्यूट सा मिनी बियर बना हुआ है। एक ये मास्क है, इसके अलावा ये एक ये हेडबैंड है, इसमें बटरफ्लाई बनी हुई है इस तरह से, बहुत क्यूट सी है, ये भी 250 में है। इसकी मोस्टली प्रोडक्ट्स जो रिजनेबल प्राइसेस में आती हैं वो 250 में आती हैं, अगर उससे ज़्यादा थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो 500 के अंडर होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेंगे तो वो 500 से अबव होगा और बैग्स ऑब्वियसली 1100 से लेकर इसके 1700 तक जाते हैं। ये मैंने जूते लिए थे अपने बाबा के लिए, ये उनके लिए जूते हैं। नेक्स्ट मैंने अपने लिए पेयर ऑफ शूज़ लिए थे, ये पाइनएप्पल की, ये लेमन की, इनकी प्राइसेस मुझे बिल्कुल याद नहीं है, आप इसके ऑर्डर पे जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मिनी सीज़र है, इसकी प्राइस भी 250 है। देन ये मिनी ट्यूज़र्स हैं, इसके अलावा ये ब्लूटूथ का स्पीकर है, आप इसको अपने मोबाइल के साथ या अगर आपके लैपटॉप में ब्लूटूथ है तो इसके साथ अटैच करके आप म्यूज़िक सुन सकते हैं और ये बहुत हैंडी, आप इसको दोबारा से चार्ज भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी सेल्स पे नहीं चलता। चार्जिंग वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की रहती हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये है आईलैश कर्लर, इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया, मैं इसको ट्राई करके आपको बताऊँगी किस तरह का है। इसको
आप इसके साथ आई लैशेज कर्ल कर सकते हैं। इसके अलावा ये मास्क है, ये मास्क का पैक है, इसमें तीन मास्क है, जेली फिश कॉलेजन सिल्क मास्क। इसके अंदर मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ इसमें किस तरह के मास्क हैं। इस तरह में इसके मास्क, इसके अंदर मेरा पावर बैंक था, पावर बैंक क्योंकि मैंने यूज़ कर लिया है। मैं भी आपको शो करती हूँ कि इसमें अंदर पावर बैंक किस तरह का था। ये पावर बैंक है, इसको अगर मैं फुली चार्ज करूँ तो मैं अपना सेल इसके साथ तीन दफ़ा चार्ज कर सकती हूँ। ये इतना अच्छा है इसके अंदर क्योंकि 10,000 mAh पावर है, तो आप इसको एक दफ़ा में चार्ज कर लो तो आपका मोबाइल तीन दफ़ा चार्ज आसानी से हो जाता है। इसके अलावा ये मास्क है, अगर आप कोई फ्रूट मास्क अपने फेस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके जूस के अंदर इसको डिप करें और देन अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो पहले अपने फेस के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करती है, देन इसको पुट करती हैं और फिर कहती हैं कि इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। आप इसको पहले जूस के अंदर या सीरम के अंदर डिप करें, देन अपने फेस पर अप्लाई करें। और इस पैक के अंदर आपको मिलते हैं 90 शीट मास्क आपको मिलते हैं। आप मुख्तलिफ़ किस्म के हनी या फ्रूट्स, डिफरेंट किस्म के उनके जूसेस के शीट मास्क बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये छोटे छोटे से ये मास्क नहीं, ब्यूटी टॉवल। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये ब्यूटी टॉवल। इसके अंदर 4 डिफरेंट ब्यूटी टॉवल हैं, आप इसको गर्म पानी के अंदर डिप करके अपने फेस के ऊपर रखें, उससे आपको फेशियल मसाज भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप इसको डिफरेंट किस्म की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप चाहें। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये अगेन, ये बहुत सॉफ्ट बहुत कंफर्टेबल चप्पल्स हैं, आप इनको ज़रूर जाके वहाँ पर चेक करें। इनकी प्राइस रेंज 400-500 समथिंग है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बाद ये अगेन ये पेयर ऑफ शूज़ हैं, बहुत सोफिस्टिकेटेड कलर्स में, गर्लिश कलर हैं, ग्रे पिंक में, और इसकी प्राइस भी बहुत रिजनेबल है, तो आप वहाँ पर जाकर उनके आउटलेट पे ये ज़रूर ट्राई आउट करें। जो लास्ट प्रोडक्ट्स मेरे पास हैं वो हैं ये मिनीसो के बैग्स, ये बैकपैक लिया है, ये बहुत क्यूट है, इसका कलर देखें, मिनी बैकपैक है। और जो नेक्स्ट बैग मैंने वहाँ से परचेज़ किया वो ये है। अच्छा, मिनीसो के बारे में अगर मैं अपना वर्डिक्ट दूँ तो मैं ये कहूँगी कि मिनीसो की प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइसेस में आती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन ये रिजनेबल प्राइसेस इस तरह से आए कि इनकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और इनकी प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छी हैं। जैसे मैंने इनका लैम्प यूज़ किया है, मैंने इनका मिरर यूज़ करके देखा है, इनकी जितनी प्रोडक्ट्स मैंने अभी तक यूज़ किया वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, पैकिंग की भी उनकी अच्छी है और उनकी वो काफ़ी देर तक चलती हैं। ये नहीं कि आप अगर कोई सस्ती चीज़ खरीदें तो वो जल्दी टूट जाए, तो अकॉर्डिंग टू मी आपको पाकिस्तान में रहते हुए इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बजट फ्रेंडली है और ज़ाहिर सी बात है सारी चीज़ें आपके यूज़ में आती हैं, तो ये वेस्टेज ऑफ मनी किसी तरह भी नहीं है। आप ज़रूर मिनीसो के आउटलेट पे जाकर उनकी चीज़ें चेकआउट करें। दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको कौन सी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।